हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसा रहा आज का आपका लॉ का पेपर? जिन जिन की लगी एक बार हाथ जरूर खड़े करो। भाई मेरे को वीडियो ही देख रहा है, सबने हाथ खड़े करे हैं। भाई क्या पेपर पूछा था आज यार। मतलब इन्होंने FR, SFM और ऑडिट तीनों का बदला पक्का आज ही के पेपर में निकाला है। भाई मतलब सुबह 6 बजे से मैं 1-1.5 बजे तक कंटिन्यूसली मैंने PM करी है। PM से कुछ तो पूछ लेते भाई। मतलब हर पेपर में तुम PM घुसा रहे थे, आज के पेपर में कुछ PM से नहीं था। मतलब था, बहुत कम था यार। एंड पता नहीं भाई कहाँ कहाँ कितनी कौन कौन सी अमेंडमेंट थी। और मैंने तो एक्चुअली भंडारी सर से पहले क्लास ली हुई थी, तो मैंने भंडारी सर की बुक करी थी पहले वाली, उसके साथ जो कमल करके अमेंडमेंट्स थी वो रीड करी थी, और उसके साथ इंस्टीट्यूट की सप्लीमेंट्री। तो आई थिंक मैंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि मैं पुरानी बुक्स को और नई अमेंडमेंट वगैरह को जोड़ जोड़ के पढ़ रहा था। इंस्टेड आई शुड हैव गॉन थ्रू अ सिंगल बुक, या भंडारी सर की ही नया नहीं ले आता। तो आई थिंक मुझसे थोड़ी बहुत गलती हुई, बट एनी वेज अब जो हो गया पेपर हो गया, कुछ कर नहीं सकते। बट एक बार देख लेते हैं कैसा, मतलब क्या क्वेश्चन वाइज था, क्योंकि मुझे तो मेरे को एक देखो शौक रहता है कि अपना एटलीस्ट पेपर के मैं देखूँ कि क्या गलती है क्या नहीं है। आई नो मेरा थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है इस चीज़ में, बट फ्रेंकली वैसे ही मैं 10-11-12 बजे से पहले पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी आंसर्स देखने स्टार्ट करे तो भाई आंसर्स ढूंढने में ही मेरी वाट लग गई। मतलब मैं कहाँ कौन सी बुक से आंसर ढूंढूँ, साला इंस्टीट्यूट की RTP, स्टडी मैट, PM, भंडारी सर की बुक, कमल गर्ग के अमेंडमेंट के नोट्स, कमल गर्ग और मतलब और गूगल गूगल से भी ढूंढने पड़ रहे थे भाई आज तो आंसर। फिर भी मेरे को एक दो आंसर मिल नहीं पाए, तो एक बार देख लेते हैं कैसा रहा। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा पूछ रखा था बोर्ड है ऑथराइज CEO टू, हाँ तो दिस वॉज बेसिकली फ्रॉम सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिटर का। इट वॉज आई थिंक एन ईजी क्वेश्चन। इसके अंदर रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर पूछ रखे थे, तो वो आपकी लिमिट्स हो जाती हैं, दैट इज 25 करोड़, डिपॉजिट्स 50 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1000 करोड़, और आपकी टर्न ओवर 250 करोड़, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड ठीक है ये सब। और उसके बाद आपका एज इस कंपनी के 65 करोड़ की जो पेड अप कैपिटल थी दैट वॉज ग्रेटर देन दी प्रिस्क्राइब लिमिट, सो इंटरनल ऑडिटर कंपल्सरी था। और उसके बाद फाइनेंशियल पोजिशन, हाँ उसके बाद सेकेंड पॉइंट था कि वेदर मिस्टर जेड, हाँ सो मिस्टर जेड कैन बी अपॉइंटेड बिकॉज द इंटरनल ऑडिटर कैन बी कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दे कैन बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो। सो अकॉर्डिंगली सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड पार्ट का आंसर येस था आई थिंक। फिर उसके बाद आता है बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर आपको पूछ रखा था एडिशनल डायरेक्टर के बारे में। ठीक है, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन वॉज ऑन रिटायरमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, एंड एज पर द प्रोविजन्स एडिशनल डायरेक्टर हैज टू रिटायर आफ्टर ऑन एवरी AGM। ठीक है, एंड इट डजेंट मैटर कि वेदर द AGM हैज बीन हेल्ड और नॉट। तो अगर AGM नहीं भी हुई, चाहे इस रीजन से हैवी रेन्स की वजह से भी, इन दैट केस ऑल्सो एडिशनल डायरेक्टर शैल रिटायर। ओके, थर्ड पार्ट आपका कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन आई थिंक। मेरे से एक लड़की ने चीटिंग में भी पूछा था आज, तो पहले मैंने उसको गलत बता दिया बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अज्यूमिंग दैट वॉज द आंसर, नॉट डेलिब्रेट। ठीक है, बट बाद में थोड़ा मैंने देखा तो मेरा थोड़ा दिमाग सनका, तो इस क्वेश्चन में एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी हमें वो चेक करनी थी जो 1/3 वाली लिमिट होती है, तो एक तो वो चेक करनी थी, और दूसरी हमें इसमें वुमेन डायरेक्टर की भी चेक करनी थी भाई, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हमें लिस्टेड कंपनी है तो वुमेन डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए, और साथ में बीच में देखो जो मिसेज ई दिया हुआ है तो एंड वो रिटायर हुई है। सो तो इस क्वेश्चन में हमें लिखना था इसका कंक्लूजन कि द बोर्ड शैल कंडक्ट अ बोर्ड मीटिंग एंड उसके अंदर उसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। ठीक है, फर्दर सच वुमेन डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड मैक्सिमम इन 3 मंथ्स और द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग बट विच एवर इज लेटर। ओके, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस वुमेन डायरेक्टर मिक्स था। फोर्थ पार्ट आपका डी, यार इसका आंसर मुझे मिल नहीं पाया। मतलब आई थिंक कि ये गलत है एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट,
गलत एज इन की कंपनी शुड नॉट डू सच प्राइसिंग, ठीक है, बट मुझे इसका कोई बुक के अंदर या फिर प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर मुझे नहीं मिल पाया कहीं पे। तो अगर आप लोगों को पता है इसका आंसर तो एक बार मेरे को मैसेज या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मैंने इस में ऐसे अपने आपको 0 दिए हैं, अब पता नहीं मैंने तो लिख दिया बना 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 के, ठीक है, पर मुझे तो ये उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का लग रहा था, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, पता नहीं कहाँ कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर है ये। अब उसके बाद आपका ई पार्ट, ई पार्ट के अंदर इश्यूअर वॉज इन प्रोसेस ऑफ राइट विलफुल डिफॉल्टर, हाँ ये आया था आपका सेबी की एक नई जो अमेंडमेंट आई है सेबी की रेगुलेशंस के अंदर। तो इस केस में राइट इश्यू वाले का आंसर तो होना था कि नहीं, मतलब इट कैन प्रोसीड, उस केस में द कंपनी हैज टू जस्ट गिव अ डिस्क्लोजर इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है, बट इन केस ऑफ पब्लिक इश्यू इट कैन नॉट प्रोसीड। ओके, कोई अगर उसका डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर कंसीडर होता है तो राइट इशू के केस में इट कैन कंटिन्यू, बस सिर्फ डिस्क्लोजर देना था, और पब्लिक इशू के केस में इट कैन नॉट कंटिन्यू। ओके, तो अरे हाँ यार भाई देखो, पहले क्वेश्चन में सालों ने पांच पांच क्वेश्चन पूछे हैं भाई, वैसे चार पूछते हैं पांच पांच नंबर के, और ये थे भाई 5 नंबर जितने ही बड़े, क्या छोटा था इनमें। चलो बदला तो निकालना था ना फर्स्ट 3 पेपर्स का। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपका डिविडेंड का क्वेश्चन, तो आई थिंक सबने अटेम्प्ट करा होगा, बिकॉज यही एक 8 नंबर का सबसे अच्छा क्वेश्चन लग रहा था पूरे पेपर के अंदर। तो इस केस में आपका वही विद इन 30 डेज कंपनी को अगर पे नहीं करती तो उस केस में विद इन नेक्स्ट 7 डेज कंपनी को अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं विद अ शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, और उसके 7 साल के अंदर अंदर IEPF अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। अब इसमें एक कॉन्सिक्वेंस इफ डिफॉल्ट इज डन इन दिस मैटर, ये तो पूछा रखा है, मतलब लायबिलिटी एक तरीके से, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था। इसमें एक्चुअली दो लायबिलिटीज होती हैं, एक तो अगर तुमने विद इन 30 डेज पे नहीं करा तो एक तो वो लायबिलिटी होती है, दैट इज कि हर जो डायरेक्टर या कंसर्न पर्सन है उसको 18% इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्लस शायद इंप्रिजनमेंट का भी है। बट इसमें जो पूछ रखा था, आई दिस वॉज ऑल्सो स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज इफ डिफॉल्ट इज डन इन दिस मैटर, तो आई थिंक इन दिस मैटर मीन्स आपका जो कंपनी की लायबिलिटी है अगर आप विद इन 7 डेज अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, तो उस केस में 12% इंटरेस्ट वॉज टू बी पेड, ठीक है। इसमें एक और हमें जिक्र करना था क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन था कि एक्सेप्ट 3 शेयर होल्डर्स जिनको डिस्प्यूट की वजह से हमने पे नहीं करा, ठीक है, बिकॉज उनके टाइटल पे डिस्प्यूट था, तो उस केस में हमें वही लिखना था कि एक्सेप्शन है, एक्जेम्पशन है, नहीं एक्सेप्शन है कि कंपनी शेल नॉट बी हेल्ड लायबल बिकॉज द केस वॉज पेंडिंग इन कोर्ट, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन सेकेंड का बी पार्ट, ऑफिसर वॉज अलॉटेड 1 रूम, ठीक है, इसका भी यार आंसर कुछ समझ नहीं आया कौन सा सेक्शन लगेगा, आई डोंट नो, आई थिंक इसका रेजिडुअल सेक्शन लग सकता है, दैट इज सेक्शन 450 की, जिसके अंदर ऑफेंसेज विच आर नॉट कवर्ड एल्सवेयर, ठीक है, बाय एनी पर्सन इन कंट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट, इसका भी आंसर अगर वो कंट्रावेंशन लगता है तो उस सेक्शन 447 का, सॉरी 447 या फिर 450 का, तो उस केस में या तो शायद 1,000 रुपीज पर डे पेनल्टी थी और अमाउंट इन्वॉल्व और 3 टाइम्स समथिंग लाइक दैट, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बी पार्ट का आंसर, इसका भी आप लोगों को पता चले तो प्लीज बताना। उसके बाद सी पार्ट का आंसर आपका हाँ, तो ये एक फेमा की अमेंडमेंट आई है उनका उसका है ये क्वेश्चन। इस केस में आपका पहले का था व्हाट प्रोविजंस ऑफ फेमा, दिस वाज कैन अ पर्सन होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी जॉइंटली आउटसाइड इंडिया, सो द आंसर वाज यस ही कैन होल्ड जॉइंटली विद द रिलेटिव, ठीक है, प्रोवाइडेड नो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, सो दैट वाज एग्जैक्टली गिवन इन दिस क्वेश्चन, दिस वाज द रीसेंट चेंज इन फेमा, सो सेकंड का आंसर भी हमारा यस था, कैन मित्तल जॉइन हर डॉटर इन अक्वायरिंग, यस ही कैन, एंड थर्ड पार्ट वॉज मिस्टर मित्तल वॉन्ट टू रिसीव एडवांस पेमेंट्स, ये भी भाई फेमा की मतलब फेमा की एक रेगुलेशन है, ये भी थर्ड वाला पार्ट भी ये भी उसी से था भाई, मैं फेमा सेबी की रेगुलेशन छोड़ के गया था, मैं सोच रहा था चल 8 नंबर की आ जाएगी, 92 का अटेम्प्ट कर देंगे, और पूछ ली भाई, तो सेबी की भी पूछ ली फेमा की भी पूछ ली। तो
थर्ड पार्ट का आंसर है, मिस्टर मित्तल वांट टू रिसीव एडवांस पेमेंट, यस ही कैन रिसीव, इस थ्री कंडीशंस हैव टू बी सैटिस्फाइड, दैट इज शिपमेंट हैज टू बी डन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एडवांस पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी चार्ज एट लिबर प्लस 100 पॉइंट्स, एंड थर्ड इज डॉक्यूमेंट कवरिंग शिपमेंट आर रूटेड ओनली थ्रू ऑथराइज डीलर। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, मैंने देख के अभी इस पेपर में लिखे हैं जिससे मैं वीडियो में बता पाऊँ, मुझे आते नहीं हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैंने छोड़ा है फ्रेंड्स, तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने पूरा ही छोड़ दिया। ठीक है, ऑप्शन में। उसके बाद फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, डैमेज द कंपनी वॉज टू सस्पेंड पेंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर फ्रेंड्स नहीं पता, मिला नहीं मुझे। ठीक है, और हाँ मिला नहीं, एक्चुअली मिला नहीं। और सेकेंड पार्ट का आंसर इसका है येस, द इंस्पेक्टर कैन प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेट द होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और एनी कंपनी इन विच द डायरेक्टर और पार्टनर हु वॉज इन्वॉल्व इन सच अफेयर्स विच आर बींग इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्टर, जो उस टाइम पे थे आपके डायरेक्टर वगैरह, उनकी जो रिलेटेड अंडरटेकिंग्स थी, सो इंस्पेक्टर हैज़ द पावर टू यू नो चेक दैट, तो इंस्पेक्टर परमिटेड में येस आएगा इसमें। इसके बी पार्ट के अंदर प्रोसीजर वॉर अमेंडमेंटेड इन, ये तो आप में से काफ़ी लोगों ने ऑफिस में भी करा होगा, DIR 6 फाइल करना था, कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी से अटेस्ट करवाना था। और सेकेंड पार्ट इसका रेजिग्नेशन इनफॉर्म, हाँ तो इस केस में द रेजिग्नेशन इज इफेक्टिव, इन केस अ डायरेक्टर गिव्स अ रेजिग्नेशन इट इज इफेक्टिव एज सून एज द सेम हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो और हाँ, इसमें कंपनी की कंपनी को एक तो इंटीमेट करना होता है ROC को, और डायरेक्टर को खुद करना होता है, तो एज डायरेक्टर हैज फुलफिल्ड बोथ दी ऑब्लिगेशंस, उसने खुद ROC में फाइल भी कर दिया इनफॉर्म DIR 11 MCA के अंदर, और दूसरा उसने कंपनी को सेंड भी कर दिया नोटिस, तो ही शैल बी डीम टू बी मतलब खत्म, रेजिग्नेशन माना जाएगा। ठीक है, इट शैल बी डीम दैट ही हैज रिजाइन। ओके, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी ने इंटीमेट करा है या नहीं करा है। सोहन लाल फार्मर वाज सोल्ड टू बी OPM, हाँ तो इस केस में आई थिंक मनी लॉन्ड्रिंग का काफी लोगों को पता होगा ये आंसर, तो इसमें 3 to 7 years की पनिशमेंट है, बट अगर शेड्यूल ए के अंदर ऑफेंस कवर है तो उस केस में 10 साल की पनिशमेंट है, एंड OPM वाला शेड्यूल ए के अंदर कवर है। फिफ्थ क्वेश्चन, ये भाई ये अभी कमल गर्ग सर ने एक पोस्ट डाला है, ये फिफ्थ क्वेश्चन डिफेमेटरी रिमार्क का IPCC का क्वेश्चन है जो सर ने बताया है। ठीक है, मुझे अपनी फाइनल की बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिला, कहीं भी किसी भी उसमें नहीं मिला मुझे, तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर कंफर्म नहीं दे पाऊंगा, बट मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि उसने पढ़ा था कि चेयरमैन हैज अ राइट टू अमेंड, आई मीन टू मॉडिफाई। ठीक है, तो इसका आंसर, बट आई डोंट नो, IPCC का क्वेश्चन है, कमल गर्ग सर जो है उन्होंने शेयर करा था। और सेकंड पार्ट जो है ड्राफ्ट द मिनट्स, ये तो हमारी PM के अंदर था, सिंपल MD के मिनट्स बनाते हैं, उसकी सैलरी वगैरह, और मिनट्स के अंदर आप लोग स्टार्टिंग में वही सारे चेयरमैन वगैरह का लिखोगे, कौन कौन थे इन सब, जो डायरेक्टर दो दो तीन डायरेक्टर के नाम लिखे हैं, वो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखोगे, एंड में साइन बनाओगे चेयरमैन के, और जो MD की सैलरी वगैरह पे थोड़े बहुत जो प्रोविजन होते हैं वो लिख दोगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपका था अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ 30 करोड़ प्रोडक्शन, इसका सेकेंड पार्ट का आंसर भी नहीं मिला, सॉरी सेकेंड पार्ट का आंसर भी नहीं पता मुझे, मैंने देखने की कोशिश करी मुझे मिला ही नहीं। ठीक है, बट मैंने गूगल पे सर्च करने की कोशिश करी थी, तो गूगल में लिखा था कि समथिंग की अभी सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं, ठीक है, जिस केस के अंदर कुछ करी हैं अभी रिसेंटली, कि जिस केस में जो अमाउंट होता है जो ऑफर डॉक्यूमेंट में स्टेट होता है दैट शुड बी यूटिलाइज ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस, बट इसका आंसर मुझे मिला नहीं। ठीक है, सी पार्ट का आंसर आपका, ये तो सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, नॉट विदस्टैंडिंग, DT में पढ़ाई दोनों चीज़ें यार, नॉट विदस्टैंडिंग का आपका वही ओवर रूलिंग सेक्शन होता है, ये ओवर रूलिंग टेक्स्ट होता है, और आपका विदाउट प्रिजुडाइज का मतलब सेव करता है सामने वाले प्रोविजन को, मतलब विदाउट इम्पैक्टिंग या विदाउट अफेक्टिंग द अदर प्रोविजन।
सिक्स का आपका फर्स्ट पार्ट, सिक्स अच्छा क्वेश्चन था। सिक्स सिक्स के अंदर आपका फर्स्ट पार्ट, लॉन्ग टूर ऑल्टरनेट डायरेक्टर 3 महीने से ज्यादा के केस में अपॉइंट कर सकता है, बट ये पावर अपॉइंट करने की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है, डायरेक्टर के पास नहीं होती। सो मिस्टर नारायण इज रॉन्ग, ही डज नॉट हैव अ राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर। ठीक है, थर्ड सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का आंसर नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर, ये काफी लोगों ने शायद बैंक ये सोच के कि बैंक है तो यस कर दिया होगा, बट पीएम का क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन के अंदर आंसर था नो, बिकॉज आर्टिकल्स हैव टू ऑथराइज द अपॉइंटमेंट ऑफ सर डायरेक्टर, इवन दो ये नॉमिनी डायरेक्टर का केस है, स्टिल आर्टिकल्स के अंदर ऑथराइजेशन जरूरी था। आई एम डेड श्योर ऑन दिस। थर्ड, थर्ड के अंदर आपका आंसर है हाँ। अब इसका आंसर ये भी पीएम से ही था। इसके अंदर क्या है कि दो, इसका आंसर यूं लिखना था हमें कि देर इज नो कंपल्शन प्रिस्क्राइब्ड अंडर स्टेटेड अंडर कंपनीज एक्ट टू सेंड एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग, बट स्टिल एज अ गुड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस इट इज फॉलोड बाय, इट शुड बी फॉलोड बाय दी कंपनीज। सो इसका आंसर इस तरीके से लिखना था, बट मोटा मोटा आंसर नो था। ठीक है, मतलब द ऑब्जेक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इज नॉट सस्टेनेबल, दो एज अ गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस द कंपनी कैन डू सो, द गुड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस द कंपनी कैन डू सो। फोर्थ का आंसर हाँ, एट अ शॉर्टर नोटिस येस इट इज अलाउड प्रोवाइडेड टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड, दैट इज विद इन 7 डेज के अंदर आप नोटिस भेज रहे हो बाय ईमेल, बाय पोस्ट और बाय ईमेल पोस्ट और बाय हैंड डिलीवरी, और सेकेंड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी शुड अटेंड द मीटिंग। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन सिक्स के बी पार्ट पे। भाई क्या क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में देख के जब सीएसआर का नाम आया ना, इतनी खुशी हुई, सेक्शन 135 चार नंबर मिल गए। जब नीचे पढ़ना स्टार्ट करा, पता चला भाई पूरा क्वेश्चन यही है, तो भाई फिर लग गए, मतलब लग गए। उस टाइम याद आ रहा था कि यार फॉर इसमें प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, और फिर जब टेक फिगर्स देखी तो फटाफट मैं भाग के गया, बैग से कैलकुलेटर भी निकाल के लाया। मैंने सोचा भाई कुछ लंबी चौड़ी कंपटीशन होगी, 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, इसी में कैलकुलेटर निकाल के आया हूँ। जब क्वेश्चन पे आया मैं 2 घंटे बाद, तो मैंने देखा भाई ये तो क्या ही कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर क्या निकालना है इसमें। बट फिर भी समझ नहीं आया क्या करना है इसके अंदर। मैंने तो प्रोविजन लिख दिए इसके अंदर, वही कि 2% तक कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है, फॉरेन कंपनी भी इंक्लूडेड होती है, एंड इट शेल नॉट द प्रोविजन शेल नॉट अप्लाई इफ 3 साल के लिए कंपनी पे प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, इन दैट केस द प्रोविजन बोला नहीं, 3 साल के लिए हाँ कंपनी नहीं करती एक्सपेंडिचर, उस केस में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, बट इसका आंसर समझ नहीं आया भाई क्या था, मतलब करना क्या था ये समझ नहीं आया। ठीक है, फिर सी पार्ट आपका ऑप्शन इन सिक्योरिटीज, ये तो सिंपल था, कॉल पुट अ प्रॉमिस टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल शेयर इन फ्यूचर। ठीक है, स्पॉट डिलीवरी का वही जो नॉर्मल होता है, मतलब इक्विटी मार्केट वाला स्पॉट डिलीवरी की, वेयर पेमेंट इज सेटल्ड एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इन नॉर्मल नॉर्मल सेटलमेंट साइकिल, जनरली इन T+2 और T+1। ठीक है, आंसर सेवंथ क्वेश्चन, चार क्वेश्चन ये अच्छा था। ठीक है, इसके अंदर मैंने फर्स्ट जो है ए पार्ट, इसके अंदर ए पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट जो है, व्हाट शैल बी द फेट ऑफ द एप्लीकेंट्स हु हैड कंसेंटेड टू बिकम शेयर होल्डर्स ऑन सर्टेन कंडीशंस, पता नहीं भाई क्या था, पता नहीं चला भाई, फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस था या फिर क्या था पता नहीं। मैंने तो लिख दिया लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी माना जाएगा, क्योंकि अब भाई शेयर होल्डर बन चुका है। अब पता नहीं भाई ये क्वेश्चन भी कहाँ से था, ना पीएम में मिला ना बुक में मिला, अजीब टाइप का क्वेश्चन है ना। आपका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड का आंसर हाँ ये मैं पता है, बिकॉज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड वर्कमैन बोथ आर प्रेफरेंशियल, नहीं ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ओवरऑल मतलब इनको ओवरराइडिंग पेमेंट मिलती है, तो देयरफॉर एज शॉर्टफॉल है 1 लाख माइनस 10,000, मतलब 90,000 है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दैट इज अ शॉर्टफॉल, क्योंकि क्लेम है 4 लाख का दोनों को मिला के, तो उस केस में प्रोपोर्शनेट बटेगा। सो क्रेडिटर्स का हो गया
3/4 × 90,000, तो कितना आ रहा था ये, 22,500, 22,700, मतलब यही है यार, कैलकुलेशन याद नहीं है मेरे को। 3/4 × 90,000 ये क्रेडिटर का शेयर बन रहा था। अब इसका बी पार्ट, इसका आंसर भाई सुबह सुबह पढ़ के चला गया था, मतलब पेपर से 5 मिनट पहले। इसका आंसर है 65 ईयर्स, 65 ईयर्स तक की एज होती है। उसके बाद आपका सी पार्ट है, होल्डिंग 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हैव अ पिटिशन बिफोर ट्रिब्यूनल। हाँ, इसका फर्स्ट का आंसर है, देखो पहला बात, पहला क्वेश्चन तो है होल्डिंग 20%, तो 20% मतलब 1/10 से ज़्यादा है, ठीक है, तो 1/10 से ज़्यादा है, देयरफॉर पिटिशन फाइल, मतलब पिटिशन शेल सस्टेन, ठीक है, मतलब पिटिशन पिटिशन शेल बी एडमिटेड, पिटिशन एडमिट तो हो जाएगा बट उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो उस केस में, अब फर्स्ट केस में है वेरियस एक्ट्स ऑफ इलीगल वगैरह, द पिटिशन शेल नॉट, मतलब रेमेडी नहीं मिलेगी, मतलब इट शेल फेल बिकॉज दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन। ये पीएम का ही आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तीनों पार्ट पीएम के ही हैं। सेकेंड का आंसर है लॉसेज इनकर्ड ड्यू टू मिसमैनेजमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस केस के अंदर यार देखो, इसका डाइसी है, मतलब लॉसेज इनकर्ड ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ये तो ऑपरेशन नहीं है, आई मीन लॉसेज इनकर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये तो ऑपरेशन नहीं है, बट ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ये अलग से वर्ड स्पेसिफाई करा है। सो दोनों आंसर आई थिंक हो सकते हैं इसका भी, मतलब इसका कुछ पक्का नहीं है पीएम में, क्योंकि जो आंसर है उसके अंदर है लॉसेज इनकर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, बाकी जो आपका डिस्क्रिप्शन आप देख लो। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड डिस्पाइट हैविंग सफिशियंट प्रॉफिट्स इन पास्ट ईयर्स, दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट, ठीक है। डी पार्ट आपका शेयर होल्डर, हाँ, इस केस में आपको सिंपल स्टेप्स टू टेक, स्टेप्स टू गिव इफेक्ट, इसके अंदर वही अप्लाई टू द कोर्ट विद द प्रपोज स्कीम, द कोर्ट इफ अग्रीड शैल कॉल द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स, फिर एटलीस्ट 9/10 इन वैल्यू एंड मेजोरिटी इन नंबर शैल अप्रूव द स्कीम, एंड द अप्रूव द स्कीम शैल बी बाइंडिंग ऑन द रिमेनिंग क्रेडिटर्स दैट आर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स। बस यही था आपका इसका। और ई पार्ट आपका, लास्ट पार्ट आपका सरफाइजी का था, इसमें ये बुक पीएम का क्वेश्चन था, इसमें वही 4 पॉइंट, या तो पोजेशन ले सकते थे, या फिर मैनेजमेंट उसका टेक ओवर कर सकते थे, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन इन देयर बोर्ड, और या फिर आपका एनी थर्ड पार्टी हु हैज टू पे टू दी हु हैज टू पे टू पॉपुलर लिमिटेड, उससे आप डायरेक्टली इसकी प्रोसीड, इसका अपना लोन वापसी ले सकते थे। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया ये कैसा था आज का पेपर, देखो खतरनाक था, मेरा तो बहुत बेकार हुआ है, वाहियात हुआ है, किसी तरह पास करा दे भगवान, बट फिर भी ग्रुप 1 में पता नहीं एग्रीगेट कैसे बनेगा, ठीक है, बट ठीक है यार, अब आई थिंक आई होप कि थोड़ी चेकिंग लीनियंट हो जाए इस पेपर के अंदर, बट लेट्स बी पॉजिटिव फ्रेंड्स, एंड अगर आपका भी पेपर बेकार हुआ है तो इतना डिसहार्टेंड मत हो यार, अब जिनका सेकंड ग्रुप है तो फोकस करते हैं कॉस्टिंग पे, और जिनका फर्स्ट ग्रुप है अब तो ऐश करो यार, जिनका फर्स्ट ग्रुप था आई मीन, अब ठीक है, अब 2-1.5 महीने बाद जब भी पढ़ना आप स्टार्ट करो, तब से टेंशन लेना। सो ऑल दी बेस्ट।